ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is His Sweet Wi-Fi and this story is begin from chapter 29 to 30 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ निशी की लाइफ से रौनक नाम की मुसीबत कम हो रही थी, वहीं किसी की नज़र निशी पर ही ठहरी हुई थी। कोई था जिसके लैपटॉप में निशी दिख रही थी और वो गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था मानो सब कुछ तबाह कर राख कर देगा। वो इन आंखों से बस निशी को घूरे जा रहा था। अब आगे। रात 12 बजे एक कार आकर नोगामी मेंशन के बाहर आकर रुकी। उसमें से निशी और मिष्टी बाहर उतरती है। निशी हल्के नशे में ही और मिष्टी तो पूरी टल्ली थी। दोनों ने पार्टी में बड़े मजे किए, उसी का असर था ये। निशी टल्ली मिष्टी को संभालते हुए उसे मेंशन के अंदर ले जाने लगती है। तभी मिष्टी पीछे मुड़ी और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, निशी मुझे लगता कोई हमारा पीछा कर रहा है। निशी को लगता है मिष्टी नशे में कुछ भी बट कर रही है, इसलिए वो उसे समझाती है। नो मिष्टी, यहाँ कोई नहीं है, चलो अब अंदर। निशी जबरदस्ती मिष्टी को अंदर ले जाती है। दोनों हॉल में पहुंची तो वहाँ वो वंश से टकरा गई और चिल्ला उठी, आ। वंश भी चिल्ला उठता है, आ। फिर तीनों ने एक दूसरे की शकल देखी तो शांत पड़ गए। वंश ने मिष्टी और निशी को घूरा और कहा, तुम दोनों ड्रिंक करके आई हो। मिष्टी और निशी भोली सूरत बना न में सिर देती हैं, फिर धीरे से बोली, थोड़ी सी। वंश अविश्वास से सिर हिला देता है, आजकल की लड़कियां भी छोरों से कम नहीं है, नशे में भी बराबरी कर रही हैं। वंश खुद में बुदबुदाता है। वहीं टल्ली मिष्टी गिरने लगती है, जिसे संभालना निशी से नहीं हो पाता है तो वंश उसे संभालता है। वंश मिष्टी को अपनी गोद में उठा लेता है और निशी से बोला, बेबी यू गो टू योर रूम, इस मोटकी को मैं इसके रूम में छोड़ दूंगा। निशी हाँ में सिर हिला देती है और अपने रूम की ओर चल पड़ती है। वहीं वंश मिष्टी को लेकर चल पड़ता है और खुद में बोलता जाता है, गर्लफ्रेंड उठाने की उम्र में इस मोटकी को उठा रहा हूँ, ये रे मेरी फूटी किस्मत। दूसरी तरफ निशी अपने रूम पहुँचती है। रूम में अंधेरा था तो उसने लाइट ऑन किया, पर जैसे निशी ने लाइट ऑन किया सामने का नज़ारा देख निशी की नशे से मदहोश आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपना थूक गटक बोली, वह वर्चस्व। वर्चस्व जर्मनी से आ चुका था, वो आज रात ही आया था और अभी वो बेड पर टिक कर बैठा हुआ था। उसके पैर पर उसका लैपटॉप रखा हुआ, शायद वो उसमें कुछ कर रहा था। निशी तो वर्चस्व को अचानक देख हैरान हो गई। फिर अगले ही पल वो नर्वस हो गई, क्योंकि उसे याद आया कि वो बहुत छोटे कपड़े पहनी हुई है। निशी अपनी ड्रेस को नीचे खींचने लगती है और वर्चस्व को एक ऑकवर्ड सी स्माइल हे करके चेंजिंग रूम की और जाने लगती है। तभी वर्चस्व ने कहा, जब दुनिया को दिखा सकती हो तो मुझे दिखाने में क्यों शर्मा रही हो। वर्चस्व की ये बात सुन निशी के कदम रुक गए और वो सवाल भरे भाव से वर्चस्व को देखने लगी। शायद वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वर्चस्व क्या कहना चाहता है। निशी को सोच में डूबा देख वर्चस्व ने कहा, इधर आओ तुम। वर्चस्व की बातों में कोई भाव नहीं था, उसे समझ पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है और क्या चाहता है। हाँ, बस उसकी आवाज़ डरावनी थी, जिसे सुनकर निशी के रौनकटे खड़े हो जाते हैं। वो कांपते हुए पैरों से वर्चस्व की ओर जाने लगती है। जब निशी बेड के पास पहुंच गई तो उसने निशी को बेड पर लेटने को कहा। निशी अभी भी कंफ्यूजन में थी, उसने कुछ कहना चाहा तभी वर्चस्व अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, बेड पर लेट जाओ। वर्चस्व के यूं बोलने से निशी सहम सी जाती है और वो बेड पर चुपचाप लेट जाती है। वहीं वर्चस्व ने अपना लैपटॉप साइड किया और निशी के ऊपर आ गया। फिर बिना कुछ बोले वो निशी के होठों को चूमने लगता है। वर्चस्व निशी को काफ़ी रूडली किस कर रहा था। किस क्या, वो उसके होठों को खा रहा था। तभी तो दर्द में निशी के एक पल में ही आंसू निकल पड़ते हैं और वो छटपटाने लगती है, वर्चस्व को खुद से दूर करने लगती है। वर्चस्व नहीं रुका तो निशी वर्चस्व के नेक पर अपने नाखूनों से नोचने लगती है। तभी वर्चस्व उसके हाथों को अपने हाथों में भर बेड पर दबोच देता है और रूडली निशी के होठों को किस करने लगता है। निशी जब बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी, ऐसा लग रहा था वो बेहोश हो जाएगी, तब जाके वर्चस्व ने उसको छोड़ा। निशी रोते हुए वर्चस्व के चेहरे को देखती है। वहीं वर्चस्व भी निशी को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके आंखें लाल थी मानो वो कितना गुस्सा हो। वर्चस्व की ऐसी आंखों को देख निशी डर जाती है, वो अपनी नज़रें झुकाने लगती है। तभी वर्चस्व दांत भींचते हुए बोला, कौन था वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तुम चीट कर रही हो। वर्चस्व की इन बातों को सुन निशी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए, लेकिन उसे समझ नहीं आया वर्चस्व ये सब क्या बोल रहा है। निशी अटकती हुई आवाज में बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं। वर्चस्व ने निशी का जबड़ा पकड़ा लिया और गुस्से से बोला, अब ये इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो। तुम बहुत अच्छे से जान गया हूँ मैं कैसी लड़की हो तुम। वर्चस्व ये सब क्यों बोल रहा था निशी को कुछ समझ नहीं आता है, पर उसे ये जरूर समझ आ जाता है वर्चस्व जो बोल रहा है वो गलत है, इसलिए निशी न में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं आप गलत। निशी की आधी बात उसके मुंह में रह गई क्योंकि वर्चस्व फिर से उसके होठों को चूमने लगता है। केस के बीच में ही वर्चस्व एक जुनून भरी आवाज में बुदबुदाता है, यू आर ओनली माइन। वर्चस्व निशी के होठों को वाइल्डली किस करता रहता है। निशी उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, वो उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। वर्चस्व की वाइल्डनेस बढ़ती जाती है, वो अपनी बॉडी को निशी के ऊपर प्रेस करने लगता है, साथ ही बोला, किस मी बैक। निशी वर्चस्व को किस नहीं करती है, तभी वर्चस्व उसके होंठ पर जोर से बाइट कर देता है और फिर बोला, किस मी बैक। वर्चस्व बस निशी पर गुस्सा दिखा रहा था और उसके गुस्से को सहने की हिम्मत अब निशी में नहीं बची थी। वो भी हल्के हल्के से वर्चस्व को किस करने लगती है। निशी बस रोए जा रही थी, वहीं वर्चस्व बस उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। वो उसके होठों को छोड़ उसके नेक पर पहुंच गया और वहां बाइट करते हुए किस करने लगा। वर्चस्व का हर किस और बाइट इतना रूड था कि निशी की बस दर्द में सिसकारियां निकल रही थी। निशी के नेक पर किस करते हुए ही वर्चस्व निशी की ड्रेस की जिप खोल देता है, जिसका एहसास निशी को होता है। वो न में सिर हिलाती है पर वर्चस्व नहीं रुकता है, वो निशी की ड्रेस उसके बदन से निकाल देता है। वर्चस्व के होंठ निशी के शोल्डर पर चलने लगे, फिर कॉलर बोन और उसके क्लीवेज पर रहे तिल पर वर्चस्व ने जोर का बाइट किया। निशी फिर से दर्द में चीख उठती है। वर्चस्व निशी के इनवियर को उसके बदन से अलग कर देता है और उसके सीने पर प्रेस करने लगता है। अगले ही पल वो अपने होठों को निशी के सीने पर रख देता है। वो वहां सक और बाइट करने लगता है। वर्चस्व के हाथ निशी के ऊपरी बॉडी के हर हिस्से को छू रहे थे। आज की सारी रात निशी की रोते हुए निकल गई और वर्चस्व की उसे बस दर्द देने और रुलाने में। सुबह 5 बजे वर्चस्व निशी के ऊपर सोया हुआ था। उसके होंठ अभी भी निशी के सीने पर रखे हुए थे। वही निशी जाग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बेजान सी थी। निशी ने एक नज़र अपने ऊपर सोए हुए वर्चस्व को देखा, फिर वो उसके नीचे से निकल गई। निशी बेड से उठी, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने खुद को संभाला, उसने फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की ओर चली गई। वॉशरूम में निशी ने खुद को आईने में देखा। उसके ऊपरी बदन पर हर जगह बाइट के निशान से वो बाइट के निशान इस बात के सबूत थे कि वर्चस्व ने उसे कितना हट किया है। निशी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। 1 घंटे बाद निशी वॉशरूम से बाहर निकली। वो मिरर के सामने जाकर तैयार होने लगी। मेकअप से अपने नेक पर दिख रहे बाइट के निशान को छुपाने लगी, जो कि वो हमेशा से करती आ रही है। निशी ने हमेशा वर्चस्व के दिए गए दर्द को मेकअप में छुपाया था। निशी तैयार हुई और चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी, तभी उसका मोबाइल बजा। उसने बिना देखे ही कॉल उठा लिया। कॉल उठाते ही निशी के चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ गए और वो बस इतना बोली, काकी माँ को क्या हुआ, कुछ बोलिए ना काकी, मैं आ रही हूँ। अगले ही पल निशी बड़ी तेजी से यहाँ से निकल गई। सुबह का वक्त था, मेंशन में अभी कोई नहीं उठा था। निशी बिना किसी रोक टोक के यहाँ से निकल जाती है। वो बाहर सड़क पर पहुंचती है। वो कोई ऑटो देखती है, उसे कुछ नहीं दिखता है। वो पैदल ही चलने लगती है। कुछ दूरी पर उसे एक ऑटो दिखा। वो उस ऑटो की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। तभी अचानक एक कार आकर निशी के सामने खड़ी हो जाती है। उस कार से 2 आदमी उतरते हैं और वो निशी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। निशी उनसे छूटने की कोशिश करती है, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे, मगर वो आदमी निशी को नहीं छोड़ते। वो निशी को कार में पटक देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो कार आकर एक मेंशन के सामने रुकी, मल्होत्रा मेंशन। वो लोग निशी को इस मेंशन के अंदर ले जाते हैं। निशी को समझ नहीं आता वो लोग उसे कहाँ लेकर आए हैं। तभी निशी को किसी की हील्स की आवाज़ आती है। निशी उस ओर देखती है। उसने देखा कि सामने नेत्रा खड़ी है। नेत्रा को देख निशी के चेहरे पर सवाल भरे आ गए और उसने कहा, नेत्रा तुम। नेत्रा ने अपनी एक आईब्रो ऊंची की और कहा, यस मी, और मैंने ही तुम्हें उठवाया है। नेत्रा की ये बात सुन निशी हैरान हो गई। जो देख नेत्रा आगे बोली, रिलैक्स, इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं। है, मैं तुम्हें किडनैप करके रखने वाली नहीं हूँ, बस कुछ तुम्हें दिखाना था। नेत्रा ने इतना कहा वो निशी के पास आ गई और अपना मोबाइल निकाल उसमें कुछ प्ले कर दिया, जिसे देख निशी हिलसी गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और उसके आंखों से आंसू बह चलते हैं। निशी को इस हालत में देख नेत्रा स्मक कर देती है और घमंड वाली आवाज़ में बोली, मिस नौकरानी से बनी मिसेज महारानी, अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा। गले में मंगलसूत्र पहन लेने और मांग में सिंदूर लगा लेने से तुम वर्चस्व की बीबी नहीं बन जाओगी। प्यार और नीज नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि मैंने वर्चस्व को दिया है। नो ही इज़ ओनली माइन, दिल से भी और जिस्म से भी। नेत्रा की इन बातों को सुन निशी सुन्नसी खड़ी रह जाती है। वहीं नेत्रा ने अपने आदमी से कहा, इसे बाहर फेंक दो, दिल टूटा है, बेचारी का सदमा लगा है, कहीं मर गई तो हम फंस जाएंगे। उन आदमियों ने निशी को पकड़ा और उसे मल्होत्रा मैंशन से कुछ दूरी पर बाहर सड़क पर फेंक दिया। निशी एक बार फिर बेजान सी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो खड़ी हुई और बेसुध सी सड़क पर चलने लगी। वो कुछ बुदबुदाता रही थी, अचानक ही वो चिल्ला उठती है, आई हेट यू वर्चस्वा नोगामी। तभी एक कार तेजी से आई और वो निशी को बुरी तरह हिट कर देती है। खून से लथपथ निशी रोड पर गिर जाती है। शाम का समय, नोगामी मैंशन। पूरे नोगामी परिवार को पता लग चुका था निशी सुबह से कहीं गायब है। उसके लिए सब परेशान थे, दादी भी परेशान थी क्योंकि निशी का कुछ पता नहीं चला था। लेकिन वहीं वर्चस्व के चेहरे पर एक परेशानी की लकीर नहीं थी, उसके चेहरे पर बस गुस्सा था और उसने दांत भींचते हुए कहा, आई हेट यू निशी नोगामी। 2 साल बाद, कोलकाता। एक बड़े से गार्डन में एक आदमी दौड़ते हुए पूरे गार्डन का राउंड पर राउंड लगाए जा रहा था। वो शर्टलेस था, उसके सिल्की बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, उसके माथे के साइड से पसीना बह रहा था जो बार बार उसकी बॉडी पर फिसल रहा था। आदमी अपनी दौड़ चालू रखता है, तभी उसके पीछे हौंसते हुए वंश आया और वो गहरी सांस ले बोला, वर्चस्व भाई रुक जाओ, मैं थक चुका हूँ, आप अभी तक नहीं थके, बस कब से दौड़े जा रहे हो। वंश की बात सुन भी वर्चस्व नहीं रुका और वो दौड़ते हुए ही अपनी रूड वॉइस में बोला, तुम अपने मुंह से ज़्यादा अपने पैर चलाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वर्चस्व की ये बात सुन वंश का मुँह बन जाता है, वो खुद में बुदबुदाता है, रूड एस। फिर वो वर्चस्व के साथ दौड़ने लगता है और बेचारा सा मुंह बना बोला, भाई आपका स्टेमिना काफ़ी अच्छा है, इतने राउंड से भी आप थके नहीं हैं, बट मैं आप जितना स्ट्रोंग नहीं हूँ, मुझे अब चक्कर आ रहा है। वर्चस्व वंश को घूरने लगता है और दांत भींचते हुए बोला, जब पार्टी करते हो तब तो तुम्हें चक्कर नहीं आते हैं। वर्चस्व की ये बात सुन वंश अपना थूम गटक लेता है। वो आगे वर्चस्व से कुछ नहीं बोलता है और मरी हुई हालत में ही वर्चस्व के साथ दौड़ने लगता है। कुछ समय बाद यहाँ मयंक और ध्रुव आते हैं। ध्रुव वर्चस्व का दूर का दोस्त जो कि अब काफ़ी करीब हो चुका है। ध्रुव और मयंक को देख वर्चस्व के दौड़ते हुए कदम रुक गए, वंश भी रुक गया और उसने चैन की ली। वहीं ध्रुव और मयंक वर्चस्व के पास चलकर जाते हैं। ध्रुव वर्चस्व के गले लग बड़ी खुशी से बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्चस्व, हमेशा की तरह तू फिर इस साल टॉप बिजनेसमैन का खिताब जीत गया। चारों ही तरफ तेरे ही चर्चे हो रहे हैं, न्यूज मैगजीन, सोशल साइट्स, हर जगह तू तो छा गया। ध्रुव की इस बात का वर्चस्व पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वहीं वंश उछल पड़ता है, भाई आपने तो कमाल कर दिया, बस रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, अब तो इस बात पर पार्टी बनती है। वंश ही इस बात पर ध्रुव भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पार्टी तो बनती है वर्चस्व, चल आज रात क्लब चलते हैं, वहाँ मस्त एंजॉय करेंगे, वैसे भी तू हमेशा सड़े हुए मूड में रहता है, इसी बहाने शायद थोड़ा मुस्कुरा ले। ये बात बोल ध्रुव हल्के से हंस देता है, उसके साथ ही वंश और मयंक भी हल्के से हंस देते हैं। तभी वर्चस्व अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, हो गया तुम लोगों का, और मयंक तुम भी इन दोनों की तरह बन गए हो, काम पर ध्यान नहीं रहता है तुम्हारा, तुम्हारी वजह से हमने 2 प्रोजेक्ट खो दिए, कितना बड़ा लॉस होते होते बचा है। वर्चस्व थोड़ा गुस्से में आ गया था, इसलिए ध्रुव वंश मयंक तीनों शांत पड़ गए। साथ ही मयंक बोला, सर प्रोजेक्ट मेरी वजह से नहीं गए हैं, बल्कि किसी ने जानबूझकर हमसे वो प्रोजेक्ट छीने हैं। मयंक की ये बात सुन वर्चस्व वंश ध्रुव तीनों के चेहरे पर सवाल भरे आ गए, जो देख मयंक आगे बोला, जी सर, हमारे हाथ से जितने भी प्रोजेक्ट गए हैं वो किसी दक्ष ओब्रॉय नाम के आदमी ने खरीदा है। अब हमारे हाथ से गया हुआ हर प्रोजेक्ट एक ही आदमी खरीद रहा है, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, मतलब वही कुछ कर रहा है। कौन है ये दक्ष ओब्रॉय? ये सवाल ध्रुव ने किया तो मयंक ने जवाब दिया, अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं। मयंक अपनी बात पूरी बोलता उससे पहले ही वर्चस्व थोड़े गुस्से से बोला, तो तुम कर क्या रहे हो? कोई हमसे हमारे प्रोजेक्ट छीन रहा है और तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। इवनिंग तक मुझे इस दक्ष ओब्रॉय की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मयंक अपना थूक गटक हाँ में सिर हिला देता है, वहीं वर्चस्व सब पर गुस्सा कर यहाँ से जाने लगता है। तभी अपने में ही ध्रुव वंश से बोला, ये आराम से बात नहीं कर सकता क्या? हमेशा ऐसे चिड़ा चिड़ा सा रहता है जैसे इसकी बीबी भाग गई हो। ये बात तो ध्रुव ने वंश से कही थी, लेकिन वर्चस्व जो यहाँ से जा रहा उसने सुन ली। उसके कदम रुक गए, वो ध्रुव की तरफ देखता है। ध्रुव कांप ही जाता है क्योंकि वर्चस्व की आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। वर्चस्व गुस्से से ध्रुव को घूरता है और अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लेता है, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल खा जाने वाली नजरों से ध्रुव को घूर वर्चस्व फिर यहाँ से चला है। वहीं वंश, ध्रुव, मयंक तीनों चैन की सांसें लेते हैं। साथ ही वंश बोला, ध्रुव ऐसी बातें अब भाई के सामने कभी मत बोलना। ध्रुव मुंह बना बोला, क्यों न बोलूं यार, हम कुछ दिन के लिए मुंबई से यहाँ कोलकाता आए हैं। सोचा था बिजनेस के काम के साथ थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे, बट ये बंदा बस गुस्सा करता है और काम हो गया, बस कुछ और करने ही नहीं देता है। ध्रुव की इन बातों पर वंश बोला, ध्रुव तुझे जो बोला है बस वो सुन, कुछ बातें हैं जो तुझे नहीं पता है इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसी बातें दोबारा मत बोलना। ध्रुव आंखें रोल कर देता है और बोला, ठीक है। कोलकाता एयरपोर्ट, एक 26 साल का लड़का जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था, उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक पेंट। उसका चेहरा किसी स्टार की तरह था, मतलब वो किसी हीरो की तरह हैंडसम था। उसकी हाइट, बॉडी, चौड़ी छाती सब परफेक्ट था और उसकी हाथ के कलाई पर बना टैटू उसे एक हॉट सेक्सी हैंडसम मैन बना रहा था। ये हैंडसम मैन एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। उसकी बाहों में एक लड़की थी जो कि उसके सीने में अपना चेहरा छुपाई हुई थी। लड़की ने किसी बच्ची की तरह उस लड़के की बाहों में दुबकी हुई थी। लड़का एयरपोर्ट के बाहर निकला तैसे ही लोगों की भारी भीड़ ने उन दोनों को घेर लिया। वो देखो सुपरस्टार दक्ष ओब्रॉय। दक्ष, यू आर वेरी हॉट। दक्ष, वन ऑटोग्राफ प्लस। मिस्टर सुपरस्टार, वन फोटो प्लस। लोग भीड़ इकट्ठा कर इस तरह चिल्लाने लगते हैं, मीडिया तक उनको घेर लेती है और उनकी पिक्चर क्लिक करने लगती है, साथ ही बोलती जाती है, दक्ष सर वन पिक प्लीज, आपकी वाइफ के साथ भी वन पिक प्लीज। रिपोर्टर ने जैसे ही ये बात बोली, दक्ष की बाहों में रही लड़की मुंह बना बोली, दक्ष मुझे कोई पिक क्लिक नहीं करवानी है और अपने इन फैंस को हटाओ। लड़की इरिटेट हो रही थी, ये देख दक्ष मुस्कुरा देता है और प्यार से बोला, जो हुक्म आपका प्रिंसेस, अभी इन सबको हटवा देता हूँ। दक्ष ने अपने बॉडीगार्ड को सभी लोगों को साइड करने को कहा। उसके बॉडीगार्ड सबको सामने से हटाने लगते हैं। दक्ष आगे बढ़ जाता है। वो एक कार के सामने आकर रुका। रेड कलर की मर्सिडीज कार थी वो। दक्ष ने कार में लड़की को बड़े आराम से बैठा दिया, फिर खुद उसके बगल में बैठ गया। कार यहाँ से निकल जाती है। उनके पीछे दो कार और जाती हैं जिसमें उसके बॉडीगार्ड थे। लड़की विंडो से बाहर देखते हुए पूरे कोलकाता शहर को देख रही थी। वो कहीं खोसी गई थी। तभी दक्ष उससे पूछता है, व्हाट हैपेंड प्रिंसेस, तुम ठीक हो? लड़की दक्ष की तरफ देखती है और उसके कंधे पर सिर टिका बोली, दक्ष मुझे डर लग रहा है। दक्ष लड़की का हाथ पकड़ सॉफ्ट सी वॉइस में बोला, प्रिंसेस तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हवी है न तुम्हारे साथ। दक्ष की इस बात पर लड़की हल्के से हंस देती हैं। सफ़र उन्हीं चलता रहता है। लड़की सो जाती है। दक्ष उसके चेहरे को प्यार से देख रहा था। वो उसके गाल पर हल्के से हाथ रखता है और गुस्से वाली वॉइस में बोला, प्रिंसेस तुम डरो मत, बिकॉज अब डरने की बारी उसकी है। जिसने तुम्हें रुलाया है मैं उससे बदला लेकर रहूंगा, तुम्हारे हर आंसू का, हर दर्द का जो उसने तुम्हें दिए हैं। अचानक दक्ष के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अपनी प्रिंसेस के माथे पर प्यार से किस कर दिया। कुछ समय बाद दक्ष की मर्सिडीज एक बड़े से विला के सामने रुकी। ओब्रॉय विला। दक्ष ने अपनी प्रिंसेस के माथे को प्यार से चूमा, फिर उसको नींद से उठाते हुए बड़े ही प्यार बोला, प्रिंसेस हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। दक्ष का चेहरा उसके सामने था जिसे देख उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर दोनों कार से उतर जाते हैं और विला के अंदर चले जाते हैं। कुछ सर्वेंट आकर उनका लगेज लेकर जाते हैं। दक्ष और उसकी प्रिंसेस अंदर हॉल में पहुंचते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी थे जिन्हें देख दक्ष चिल्लाया, दादू मैं हम लोग आ गए। दक्ष की आवाज सुन दादू दक्ष की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ जाते हैं। वहीं दक्ष उनके पास आया और उनके पैर छूता है। दक्ष के साथ ही उसकी प्रिंसेस भी उनके पैर छूती है। दादू दोनों के सिर पर हाथ रखते हैं और प्यार से बोले, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और अब जल्दी से मुझे मेरे परपोते का मुंह भी दिखा दो। दादू ने जैसे ही ये बात कही दक्ष को खांसी आ गई। वहीं उसकी प्रिंसेस जबरदस्ती मुस्कुरा देती है। शाम का समय, वर्चस्व अपने बंगलों में था। वर्चस्व का हर शहर में कुछ न कुछ है ही, मतलब बंगलों, विला, मैंशन या फिर होटल। जैसे वो यहाँ कोलकाता बिजनेस की वजह से आया है, लेकिन वो यहाँ किसी होटल में नहीं रुका हुआ है, बल्कि अपने बंगलों में है। उसी के साथ वंश, ध्रुव, मयंक भी थे। वर्चस्व हॉल में बैठे हुए कुछ फाइलें पढ़ रहा था। उसके साथ ही वंश और ध्रुव भी थे। वंश ने कहा, भाई कल की मीटिंग का मैंने सब देख लिया है। ध्रुव ने कहा, और मैंने प्रोजेक्ट का सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है। इस बार हमें ही प्रोजेक्ट मिलेगा। ये लोग अपने बिजनेस की बात कर रहे थे, तभी यहाँ मयंक आया और उसने कहा, सर मुझे पता चल गया दक्ष ओब्रॉय कौन है। सब मयंक की तरफ देखने लगते हैं। वहीं मयंक आगे बोला, सर दक्ष ओब्रॉय सिंगिंग की दुनिया का सुपरस्टार है। उसने अपनी स्टडी ऑस्ट्रेलिया में की है। उसने अपना सिंगिंग करियर भी वही बनाया है, लेकिन इंडिया में भी उसके कुछ कम फैन नहीं है। आज ही ये इंडिया आया है, हर तरफ इसके चर्चे हो रहे हैं। काफ़ी मिस्टीरियस है इस दक्ष ओब्रॉय की लाइफ। 2 साल पहले ये कुछ भी नहीं था, लेकिन 2 साल के अंदर ये काफ़ी फेमस हो गया, सुपरस्टार बन गया और अब ये बिजनेस में भी अपने पैर जमा रहा है। पर कहा जाता है उसकी इस अचीवमेंट के पीछे एक लड़की है। मयंक की आखिरी की बात सुन वर्चस्व, वंश, ध्रुव तीनों की भान आपस में जुड़ गई। वंश ने सवाल किया, लड़की कौन है वो लड़की? मयंक ने कहा, प्रिंसेस यही नाम है उसका, दक्ष ओब्रॉय की वाइफ, जिसे वो उसे अपना लक्की चार्म समझता है। उसने खुद एक इंटरव्यू में कहा है उसकी वाइफ उसकी लाइफ में जब से आई है तब से वो कभी नहीं हारा। मयंक की बात सब बड़े गौर से सुन रहे थे। मयंक आगे बोला, दक्ष की तरह उसकी वाइफ भी मिस्टीरियस है। सुना है बहुत खूबसूरत है वो, हालांकि उसको अच्छे से आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये दक्ष की बड़ी सपोर्टर है। दक्ष जब कुछ भी नहीं था तब ये उसके साथ खड़ी थी, एक सच्चे हमसफर की तरह। मयंक की लास्ट की बात सुन वंश और ध्रुव, वाव प्यार ने बना दिया करियर, ये बोलकर मुस्कुरा देते हैं। वहीं वर्चस्व अपनी सोच में था, प्रिंसेस लक्की चार्म जिसकी वजह से मैं हार रहा हूँ, इस मिस्टीरियस प्रिंसेस से तो मिलना ही पड़ेगा। मैं भी तो देखूँ आखिर कौन है ये जो वर्चस्व नोगामी से टक्कर कर रही है। वर्चस्व ने ये बातें खुद में कहीं। वहीं दरवाजे पर किसी लड़की ने दस्तक दी, जिसकी हील्स की आवाज़ पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सकें। एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।